एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपऊ में स्थित सुल्तानपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 2 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर है। लगभग 4500 की आबादी पर 1650 वोटरों द्वारा गीता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 370 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 166 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 23 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 123 विद्युत पोल, 25 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगवाई हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, 25 चक रोड व तालाब का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों, 3 लोहे आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, शमशान घाट की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति देश दीपक, ग्राम पंचायत सुल्तानपुर विकासखंड सहपऊ, तहसील सादावाड, जिला हाथरस से। मैंने अपने कार्यकाल में इस गांव में जितनी मेरी मेहनत है, मैंने अपनी सच्ची लगन और निष्ठा के साथ विकास कार्यों को कराने का काम किया है। मैंने अब तक अपने गांव में 9 RCC इंटरलॉकिंग टाइल्स, खरंदे गलियों का निर्माण कराया है, हैंडपंपों को रिबोर कराया है, पानी की व्यवस्था काफ़ी सुचारू रूप से अच्छी है गांव में, और मनरेगा के अंतर्गत 25 चक्रोड़ों का निर्माण कराया है, वो मिट्टी डलवाई है, तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया है, और जितनी नालियाँ थी उनको सिल्ट सफाई वगैरह कराई है। और मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है मेरे गांव में जितने भी हमारे गांव की कब्जा मुक्त सरकारी जो ज़मीन है सरकारी, वो कब्जा मुक्त होनी चाहिए, और या विवाद न्यायालय में हो या किसी भी जगह पर हो, वो जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण होना चाहिए। आवासों का निर्माण कराया है, 4 प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं, और कुछ सूची है जो वेटिंग में है वो भी भेज रखी है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसका भी अतिशीघ्र जो प्रधानमंत्री आवास की जो सूची भेजी है उन गरीबों को भी छत दिलाने का काम करें। और मेरी गांव की जो मेन समस्या है पानी की निकासी की है, वैसे तो 2 तरफ तालाब हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है गांव में जहां से दोनों तालाबों की दूरी 900 से 1 किलोमीटर के दूरी पर है। उस निकासी के लिए ग्राम पंचायत की जो सरकारी ज़मीन पड़ी है जिसमें रास्ता दर्ज है, काफ़ी चौड़ा है, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय हाथ से गुजारिश करूँगा कि उसके लिए हमें परमिशन ग्रांट कराएं, जिससे कि उस सरकारी ज़मीन पर सुप्तों का निर्माण हो सके, जिससे कि वो जल भराव की जो समस्या है वो ख़त्म हो सके। और मैं प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों से गुजारिश करूँगा कि आबादी के हिसाब से जो हमारे गांव की 4500 की आबादी है उसके हिसाब से ग्रांट जो आती है राज्य सरकार की हो या 14वें वित्त की हो, काफ़ी कम है, उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए। और मेरे गांव में जो 11000 की जो लाइन्स हैं बिजली की, गलियां छोटी हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो उन लाइनों खाली नंगे तार पड़े हैं, उन तारों को हटवा करके बंच केबल डलवाया जाए और गांव के चारों तरफ 250 केवी के तीन से चार ट्रांसफार्मर रख दिए जाएँ, जिससे कि जो आए दिन पशु पक्षी उस लाइन से टकराते हैं वो सारी समस्याएं, वो किसी भी अनहोनी की घटना को न्योता दे सकती हैं। ये लाइनें ये चेंज होनी चाहिए। और जो मेरे गांव से पड़ोसी जो नज़दीकी गांव है उनके लिए जो रास्ता जाता है संपर्क मार्ग जो है वो सारे पक्के होने चाहिए, चाहे डामरीकरण हो या CC हो,
या इंटरलॉकिंग कार्य हो। और हमारी सरकार से गुजारिश है, जब हमारा परिवार गांव में चुनाव लड़ता है तो उसके सामने भी विपक्षी पार्टियां होती है, गांव में आपसी रंजिश भी होती है, प्रधानों के परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। नंबर दो, जो हमारी मांगे हैं, हमारे जो संगठन जो मांग कर रहा है उसको भी सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि एक 3500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो मानदेय सरकार हमें प्रोवाइड करा रही है उससे किसी प्रधान का खर्चा नहीं चल पाता है। और निष्पक्षता, यदि सरकार को वास्तविकता विदाउट भ्रष्टाचार, बिना जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के आधार पर काम कराना है, तो मेरी गुजारिश है सरकार से इनका वेतन इंक्रीमेंट किया जाए। और जो पेंशन की सुविधा है, यदि एक बार आदमी विधायक हो जाता है तो उसको लाइफ टाइम जब तक जीता है तब तक उसको पेंशन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन हमारे जबकि गांव की मेन सबसे देश की सबसे जो निचली कड़ी है और सबसे मुख्य कड़ी है वो ग्राम पंचायत है। इसका जो प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करता है वो काफ़ी मेन मुख्य आदमी होता है, तो इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, इसको इसका वेतन का इंक्रीमेंट होना चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए लोगों का। और जितनी भी मांगे हैं जो अन्य संस्थाओं का जो इंटरफेयर है ग्राम पंचायतों के अंदर, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, फ्री हैंड होना चाहिए। और जो हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों का सही से निर्वहन कराना चाहिए, सरकार को सुनिश्चित निर्वहन कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है, खास करके प्रधानों के जो पेंशन और पेंशन का जो प्रावधान है वो भी लागू होना चाहिए, जबकि हमारे 92 में जो अमेंडमेंट हुआ है, हमारे संशोधन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक सचिव से एक अध्यक्ष का 1 रुपये का वेतन ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ें ग्राम पंचायत पर लागू नहीं होती हैं? यदि होती हैं तो फिर होनी चाहिए। यदि 20 सपोज करिए किसी ग्राम पंचायत सचिव का वेतन 20,000 रुपये है तो उसके अध्यक्ष का वेतन 20,001 रुपये होना चाहिए। और जगह ये लागू है व्यवस्था, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर लागू नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, प्रधान के परिवारों का सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाए जिससे कि ग्राम पंचायतों की समस्या हल हो जानी चाहिए।